आज हम बना रहे हैं चिकन लॉलीपॉप। ये चिकन लॉलीपॉप बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से जूसी और सॉफ्ट है। चिकन लॉलीपॉप को मैरिनेट करने के लिए एक थाले में एक टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, एक टेबल स्पून तेल डालेंगे, एक टी स्पून काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, एक टी स्पून सोया सॉस डालेंगे, जरूरत के अनुसार नमक डालेंगे, एक अंडा डालेंगे, एक टेबल स्पून नींबू का जूस डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हम लॉलीपॉप घर के आम मसाले से बना रहे हैं, जो बनाने में कोई दिक्कत ना है। हमने 1.5 किलो लॉलीपॉप लिए है। लॉलीपॉप को अच्छे से धोकर पानी सुखा के लिए है। लॉलीपॉप को मसाले में मिक्स करेंगे और अच्छे से मैरिनेट करेंगे। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 2 टेबल स्पून चावल का आटा डालेंगे, 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। एक बार अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। लॉलीपॉप मैरिनेट करके हो गया। अब हम इसमें उसको आधा घंटे के लिए साइड में रखेंगे। आधे घंटे बाद हम लॉलीपॉप को डीप फ्राई करेंगे। एक तरफ से फ्राई हो गए। अब हम इसे पलट लेंगे। इसी तरह से 2-3 बार हम पलटी करके लॉलीपॉप को फ्राई करेंगे। ये मज़ेदार से चिकन लॉलीपॉप बनकर तैयार हो गए। चिकन लॉलीपॉप की बनाने के आसान से रेसिपी को जरूर देखिए, जरूर ट्राई कीजिए। हम शेफ चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए।